स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुदाउस टीचिंग चैनल। महाकारुणे तथागत बुद्ध द्वारा देशे धम्म और इसके विभिन्न प्रकार से धम्म की व्याख्या, इस विषय में हम धम्म देशना सुनते आए हैं। आइए आज भी नए एक विषय पर धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमन् मुनिराजस्य सुनन्तु सगमोकदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणे तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणे तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। धम्म क्या है और महाकारुणे तथागत बुद्ध ने धम्म के विषय में क्या क्या बताए हैं, तो उस विषय में हम थोड़ा बहुत चर्चा करते आए हैं। तो आज हम धम्म की बातें करेंगे। सबसे पहले लोकपाल धम्म। लोकपाल धम्म क्या है? ये जो ये लोक है, लोक को पालन करने वाले, लोक को सुरक्षा करने वाले, लोक को आरक्षण करने वाले, ऐसे धम्म लोकपाल धम्म है। महाकारुणे तथागत बुद्ध ने धम्म के विभिन्न विभिन्न धम्म देशना दिए, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, भोजन सुखाय भोजन हिताय के लिए महाकारुणे तथागत बुद्ध ने ढेर सारे उपदेश दिए। 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में ही संग्रहित है। तो ऐसे तथागत बुद्ध ने ढेर सारे जो उपदेश दिए उनमें से दो ऐसे गुण धम्म के विषय में भी उपदेश दिया, ऐसे दो धम्म के विषय में भी बताया जो दो गुण धम्म से सारे दुनिया की रक्षा हो रहा है, सारे लोक की पालन हो रहा है। इसलिए ये दो गुण धम्म को लोकपाल धम्म के रूप में भी जाना जाता है। तो महाकारुणे तथागत बुद्ध ने ये दो लोकपाल धम्म के विषय में जो उपदेश दिए वो बौद्ध वाङ्मय में इस तरह आता है, एक हीरे दो ओतप।
हीरी बोले तो गलत काम करने में, कुकर्म करने में, पाप करने में जो अंदर से एक तरह से लाज आता है, शर्म आता है, हाँ ये मैं करूँगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं किसी को मारूंगा मुझे हत्यारा बोलेंगे, चोरी करूंगा तो चोर बोलेंगे, व्यभिचार करूंगा तो व्यभिचारी बोलेंगे, झूठ बोलूंगा तो झूठा बोलेंगे, नशा सेवन करूंगा तो नशेबाज बोलेंगे, या अनेक तरह से जो लाज शर्म आता है इसी को हीरे कहते हैं। ये लाज शर्म की वजह से वो पाप नहीं कर पाते, लाज शर्म की वजह से वो कुकर्म अकुशल नहीं कर पाते। तो ये पहला लोकपाल धर्म है। दूसरा लोकपाल धर्म है ओतप। ओतप बोले तो भय, ट्रस्ट। अकुशल काम करने में, कुकर्म करने में, पाप करने में अंदर से जो डर आता है, भय त्रास्ट उत्पन्न होता है कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा, ये पाप करूंगा, ये अपराध करूंगा तो लोग मुझे क्या करेंगे, लोग मुझे पीटेंगे, मारेंगे, सबके सामने बेइज्जत करेंगे, हाँ पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, जेल में डालेगा और अनेक अनेक सजाएं भुगतना पड़ेगा, मरने के बाद भी दुर्गति जाना पड़ेगा, नरक, प्रेत, तिरेक, असुर ऐसे अपाय गति में असीम दुख भुगतना पड़ेगा, ऐसा अनेक अनेक डर त्रास पाप करने में अंदर से जो ऐसे डर त्रास आता है, भय उत्पन्न होता है, इसी को ओतप कहते हैं। ये भय की वजह से, ये ओतप की वजह से लोगों को पाप करने नहीं देता, लोगों को गलत करने नहीं देता। अगर लोगों में ये भय न होता, लोगों में अगर ये ओतप न होता तो लोग तो कुछ भी करेंगे, क्योंकि पाप करने में डर ही नहीं, त्रास ही नहीं। इसलिए पाप करने में अंदर से जो लाज शर्म आए वो लज्जा, लज्जा या हीरी, और पाप करने में अंदर से जो डर त्रास भय उत्पन्न होता है ये ओतप। ये दो गुण धर्म सारे दुनिया की रक्षा करता है, सारे लोक की पालन करता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय भिक्षुओं को संबोधन करते हुए बताते हैं, तथागत बुद्ध, द्वे मे धम्मा लोकं पालन्ते, ये दो गुण धम्म की वजह से लोक का पालन हो रखा है, ये दो गुण धर्म की वजह से लोक का पालन हुआ है, आरक्षण हुआ है। कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है, तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हीरिंच ओतपंच, ये हीरी और ओतप की वजह से सारे दुनिया की रक्षा हुआ है, सारे लोक की पालन हुआ है। हीरिंग च ओतपंच, ये हीरी और ओतप की वजह से, ये लज्जा और भय की वजह से। देखिए हमारे मन में क्या क्या सोच आता है, क्या क्या भावना आता है, भले ही वो लोगों को पता ना हो पर खुद को तो पता है ना, भले ही लोग ना जानता हो खुद को तो जानते हैं ना, खुद तो जानते हैं ना कि मन में क्या क्या उत्पन्न होता है। और मन में जो ख्याल आता है, मन में जो सोच और धारणा उत्पन्न होता है, वो लोगों को हित कल्याण करने वाली या लोगों को उपकार करने वाली ऐसी बातें बहुत ही कम आता है, ज्यादातर गलत गलत विचार आता है, गलत गलत खराब ये ख्याल आता है, इतना आपराधिक रूप से सोच धारणा आता है, हर चीज में बहुत ही बुरी बुरी ख्याल आता है। मगर वो बुरी ख्याल आया या वो गलत धारणा निकला
हाँ, ये आपराधिक विचार आया तो भी लोग उसको नहीं करते, वाणी से नहीं बोलते, शरीर से पालन नहीं करते। क्यों उसको क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें यही लाज है कि अगर मैं ये अपराध करूंगा, ये गलत करूंगा तो लोगों तो पता चलेगा ही। सत्य देर हो सकते हैं, अंधेर तो नहीं, एक ना एक दिन तो पता ही चलेगा। फिर उस समय मुझे लोग क्या बोलेंगे, मेरा इज्जत कहाँ रहेगा, मेरा प्रतिष्ठा कहाँ रहेगा। हाँ, तो वो अंदर से जो लाज आता है, इसी से वो गलत धारणा आने के बाद भी ये शरीर से, ये वाणी से करने नहीं देता। अगर मैं ऐसे गलत काम करूंगा तो लोग मुझे क्या करेंगे। कभी मैंने ये अपराध किया, लोगों को पता चला या संबंधित व्यक्ति को पता चला तो वो मुझे क्या छोड़ेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, जान से मारेगा या पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, अनेक अनेक दंड सजाएं से भयभीत होके जो डर त्रास उत्पन्न होता है, ये डर त्रास वो पाप करने नहीं देगा, वो कुकर्म करने नहीं देगा। देखिए, अगर इंसानों में ये डर और त्रास, ये लज्जा और भय, हीरी और ओतप्पा, ये दो न रहा तो सारे दुनिया कलह झगड़ा के रण क्षेत्र बन जाता। इतना कलह, इतना झगड़ा, कोई कुछ भी कर रहा है, न शर्म है, न डर है, कुछ भी कर रहा है, जैसे पशु जैसा, पशु कुछ भी करता है, अपने हिसाब से कुछ भी करता है, क्योंकि उनमें चिंतन मनन करने की शक्ति नहीं, विवेक बुद्धि नहीं, प्रज्ञा नहीं। मगर हम इंसान हैं, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति भी है, विवेक बुद्धि भी है, क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित, अच्छे से हम विचार कर सकते हैं, अच्छे से जो भी कुशल धम्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जो अकुशल पाप है उससे दूर रह सकते हैं, इसलिए हम इंसान हैं। अभी ऐसे इंसानी जीवन में ये लज्जा और भय ना रहा तो वो व्यक्ति संसार में जो भी घृणित पाप है, जो भी सबसे बड़ा महापाप है, वो सारे के सारे कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। इसलिए ये लज्जा और भय होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तथागत बुद्ध ये लज्जा और भय, हीरी और ओतप को लोकपाल धम्म के रूप में उपदेश देते हैं कि ये दो गुण धम्म की वजह से सारी दुनिया की पालन हुआ है, आरक्षण हुआ है। ये दो गुण धम्म ना रहा तो न यहाँ माता पिता में विश्वास कर पाएंगे, न भाई बहन में विश्वास कर पाएंगे, न चाचा चाची, न कोई कोई भी संबंधी किसी को विश्वास नहीं कर पाएंगे, न मित्र, न बंधु, न कुछ भी, क्योंकि वो कुछ भी जो भी सोच में आए कुछ भी करेगा, न उसमें डर है, न उसमें शर्म है। जैसे कोई एक इंसान जब हम मिलेंगे ना, बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही शांत स्वभाव, बहुत ही निर्दोष दिखता है, आराम से बैठे हैं। मगर वही इंसान रात को जब शराब पी के आएगा, नशा करके आएगा, तो उसका रूप ही अलग दिखता है। उस समय वो शांत भाव नहीं रहता, वो निर्दोष भाव नहीं रहता, इतना डरावना रूप से वो चिल्लाएगा, वो कुछ भी करके बैठेगा, बहुत ही रौद्र रूप दिखाएगा, शांति गया कहां कहां। क्यों? ये नशे की वजह से। ये नशे ने क्या किया, नशे ने अंदर से उसको इतना उत्तेजित कर दिया, इतना उत्तेजना में लाया कि उस समय उसके मन से वो डर और त्रास को निकाल दिया, वो हीरी, वो ओतप्पा, वो लज्जा और वो भय को खत्म कर दिया।
इसकी वजह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो परिवार मेरा परिवार करके इतना लाड प्यार करने वाला, दारू पीने के बाद झगड़ा करना, गाली गलौज देना, हाथ पैर उठाना, उसके लिए सामान्य बात। क्यों? क्योंकि उसमें लाज और शर्म ही बाकी नहीं रहा ना, लज्जा और भय ही नहीं, हीरे और ओतप ही नहीं, ये लोकपाल गुणधर्म ही खत्म हो गया, तो वो तो पशु जैसा कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब तक ये लाज और भय या हीरे और ओतप रहेगा, हम इंसान भी इंसान रहेगा, ये दुनिया का भी अच्छा खासा पालन होता रहेगा, आरक्षण होता रहेगा। जिस दिन हम में ये दो गुण धर्म खत्म हो गया, समझना हम मानवीय गुण से पतन हो गया, हम मानवता से गिर गया, तो ऐसे समय में वह इंसान कुछ भी कर सकता है। जिसमें लाज और भय नहीं, हीरे और ओतप नहीं, वो किसी को मारना नहीं चाहिए थोड़ी ना सोचेगा, वो चोरी नहीं करना चाहिए थोड़ी ना रुकेगा, वो व्यभिचार करना नहीं चाहिए थोड़ी ना वो संभलेगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए थोड़ी ना होश रखेगा, नशा पदार्थ सेवन करना नहीं चाहिए थोड़ी ना रुकेगा, कुछ भी करेगा। दुनिया में बूढ़े से बूढ़े हर दुष्कर्म हर कुकर्म वो करने के लिए तैयार हो जाता है और कर भी जाता है। इसलिए ये लज्जा और भय, ये हीरी और ओतप बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में हमेशा होना चाहिए। यहाँ एक बात हमें ये भी जानना जरूरी है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हीरे और ओतप को ये लोकपाल धर्म के उपदेश दिए हैं कि हमें लाज भी चाहिए कि हमें भय भी चाहिए। अभी लाज चाहिए करके हर चीज में शर्मा के बैठना क्या? किसी ने बोला चलो 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 बिहार में जाएंगे, वहाँ पूजने भिक्षु संघ आए आए हैं, हम दान देंगे। नहीं नहीं नहीं, मला लाज ये तो मुझे शर्म आता है, मैं नहीं जाऊँगा करके बैठेंगे, तो ये क्या सही मायने में हीरी हो गया क्या, लाज हो गया क्या? कोई बोलेंगे चलो हम अच्छे काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं 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 मुझे बहुत शर्म आता है, मैं नहीं आऊँगा, मैं कभी गया नहीं, मुझे बहुत शर्म आता है, नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा। अच्छे कुछ भी करने को बोला तो नहीं 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 मैंने कभी किया नहीं, मुझे बहुत शर्म आता है, मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या ये सही मायने में ये हीरी हो गया क्या, लाज हो गया क्या? नहीं। ध्यान रखना है, गलत काम करने में, अकुशल कर्म करने में, पाप करने में अंदर से जो शर्म आता है, अंदर से जो लाज आता है, उसी को हीरे कहते हैं। जो पाप करने न दे, जो अकुशल करने न दे, जो दुष्कर्म करने न दे, उसे हीरे कहते हैं। अच्छे चीजों में लाज करके बैठना, शर्मा के बैठना, वो दूर दूर तक भी हीरी नहीं है। लाज तो है, पर ये जो तथागत बुद्ध ने दिया हुआ वो लाज नहीं है, वो हीरी नहीं है। तो गलत काम करने में ही लाज आना चाहिए, गलत काम करने में, पाप करने में ही शर्म आना चाहिए, हीरी होना चाहिए, या अच्छे काम करने में, अच्छे कामों में भागने के लिए नहीं। उसी तरह ये ओतप, ओतप तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया हम में भय होना चाहिए, डर होना चाहिए, तो हर बात पे डर के बैठना, भयभीत होना, क्या ये ओतप है क्या? किसी ने बोला चलो 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 अभी वर्षावास का भी समय है, बिहार में बहुत सारा प्रोग्राम भी हो रहा है, चलो 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 बिहार जाएंगे। नहीं 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 मुझे डर लगता है, मैं कभी गया नहीं, वहाँ मुझे क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, नहीं 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 मुझे डर लगता है, और मैं घर से निकलता नहीं, घर से निकला तो फिर परिवार वाले क्या बोलेंगे क्या करेंगे, नहीं 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 मुझे डर लगता है।
अरे चलो ना, वहां दान हो रहा है, हम भी थोड़ा थोड़ा दान। नहीं 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 मैं दान नहीं दूंगा, मुझे डर लगता है। हाँ मैं दान दूंगा तो परिवार वाले क्या बोलेंगे, डर लगता है, या दान लेने वाले क्या बोलेंगे, डर लगता है। नहीं 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 तो सील तो पालन करो। नहीं 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 मुझे डर लगता है। तो ध्यान तो भी तो। नहीं 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 मुझे डर लगता है। अच्छे कुछ भी करने के लिए बोले, नहीं 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 मुझे डर लगता है, मुझे अकेले रहना डर लगता है, मुझे लोगों के साथ रहना डर लगता है, मुझे जंगल में रहना डर लगता है, मुझे परिवार में रहना डर लगता है, मुझे समाज में रहना डर लगता है, हर चीज में भयभीत होके बैठना, डर त्रास के साथ जीना, ये तथागत बुद्ध ने जो ओतप का उपदेश दिया वो भय नहीं है। तथागत बुद्ध ने वो तब भय का उपदेश कौन सा दिया? गलत काम करने में, अकुशल पाप करने में जो अंदर से डर उत्पन्न हो, भय उत्पन्न हो, हाँ उसी को वो तब कहते हैं। गलत काम करने ना दे वो तब, अकुशल कर्म करने ना दे वो तब, पाप करने ना दे, पाप कितना भी कोशिश कर ले मगर डर के कारण, भय के कारण वो कर ही ना पाए, ऐसे पाप करने ना दे वो ओतप्पा है। इसलिए भय होना चाहिए गलत काम करने में, अकुशल कर्म करने में, पाप करने में, या अच्छे कुशल कर्म करने में, पुण्य कार्य करने में, धर्म करने में हमें भयभीत नहीं होना, डर त्रास नहीं लेना, पराक्रम करना है, वीर करना है, वीर पराक्रम से आगे बढ़ना है, और खूब आगे बढ़ेंगे तो ही हम दुख मुक्त हो पाएंगे। अच्छे चीजों में ना हमें शर्म चाहिए ना हमें डर चाहिए, मगर बुरे कर्म करने में, पाप करने में हमेशा ये शर्म भी चाहिए, ये भय भी चाहिए, ये हीड़ी और ओतप चाहिए। यही हीरी और ओतप को महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने लोकपाल धम्म के रूप में उपदेश दिया। ये दो गुण धम्म ही सारी दुनिया को रक्षा करता है, आरक्षण देता है, सारे लोगों में ये दो गुण धम्म है, इसलिए वो इंसान जैसा है। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर इंसानों में ये दो गुण धम्म ना रहा तो पूरी दुनिया झगड़े कलह के रंग क्षेत्र बन जाएंगे, पूरे समाज पशु जैसा हो जाएंगे, वो कुछ भी करेगा, न डर है न शर्म है। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो लोकपाल धम्म के रूप में ये हीरे और ओतप्पा लज्जा और भय को उपदेश दिया। ये जो हमारे मन में निर्वाण मार्ग के बाधक के रूप में, हाँ जो क्लेश रहता है, जो आश्रव रहता है, वो 10 क्लेश में ये 2 क्लेश, एक तो अच्छे ये पाप करने में लाज न होना और दूसरा पाप करने में भय न होना, ये 10 क्लेश में भी आता है। और तथागत बुद्ध ने सप्त रत्न दान का उपदेश दिया, श्रद्धा दान, शील दान, हीरे दान, ओतप दान, श्रुत दान, त्याग दान, प्रज्ञा दान, ये 7 दान। ये 7 दान में 2 आर्य दान, ये हीरे दान, ये ओतप दान भी है। तो ये लज्जा और भय हम में होना चाहिए, हीरी और ओतप हम में रहना चाहिए। उसके लिए बहुत स्मृति पूर्वक, होश पूर्वक काम करना है, अच्छे बुरे का पहचान होना है, और अच्छे में वीर पराक्रम करना, बुरे में शर्म और भय, लाज और भय, हीरी और ओतप की वजह से दूर होना है। तो इस तरह ढेर सारे अकुशल पाप से दूर हो पाएंगे, ढेर सारे पुण्य धर्म में आगे बढ़ पाएंगे, और इस तरह सभी दुखों से मुक्त, निर्वाण की तरफ भी नजदीक 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 हो पाएंगे। इसलिए ये दो गुण धर्म हम में भी
होना चाहिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये हीरि और ओतप्पा, ये लज्जा और भय, ये दो गुण धर्म को लोक की रक्षा करने वाले, लोक के पालन करने वाले लोक धर्म के रूप में उपदेश देते हैं। ये हुआ लोकपाल धर्म। अभी हम दूसरा एक विषय पर बात करेंगे, वो विषय है दो दुर्लभ धर्म। महाकारुणी तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में दुर्लभ के विषय में ढेर सारे उपदेश दिया है। ये दुर्लभ है मनुष्य जीवन प्राप्त होना, ये दुर्लभ है मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना, ये दुर्लभ है सद्धर्म सही धर्म सुनने को मिलना, दुर्लभ है तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना, इस तरह अनेक अनेक दुर्लभ की बातें बताए। और पाली ग्रंथ त्रिपिटक के सुत पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में देखेंगे तो वहाँ अनेक अनेक दुर्लभ के विषय में वहाँ उपदेश दिया है। तो यहाँ हम दो दुर्लभ धर्म के विषय में तथागत बुद्ध का जो उपदेश है वो हम जानेंगे, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, लाभदायी है, और इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो तथागत बुद्ध ने हमारे लिए जो उपयोगी दो दुर्लभ गुण धर्म का उपदेश दिया है, ये देखने में तो कुछ भी नहीं जैसा लगता है पर उसे पालन करने में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तो तथागत बुद्ध दुर्लभ कहते हैं। अगर आसान होता तो वह दुर्लभ ही क्यों होता। हाँ, तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस दो गुण धर्म को दुर्लभ के रूप में उपदेश देते हैं वो दुर्लभ गुण धर्म है उपकार और कृतज्ञ। पहला उपकार, निस्वार्थ भाव से दूसरों की उपकार करना, ये दुर्लभ है। दूसरा, दूसरों ने किया हुआ उपकारों को याद करके कृतज्ञ बनना, ये दुर्लभ है। अभी देखा जाए तो उपकार तो करते रहना चाहिए, लोगों की मदद तो करते रहना चाहिए, ये कौन सा दुर्लभ है। और लोग हमें उपकार करते हैं, लोग हमें कोई सहयोग करते हैं तो हम उसको थैंक्स तो देते ही है या उसको कृतज्ञता तो व्यक्त करते ही है, तो ये कौन सा दुर्लभ है। समझ लीजिए, हम दूसरों को उपकार करते हैं, दूसरों को सहयोग करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, हर कोई करते है अपने अपने हैसियत से, अपने अपने क्षमता से कुछ न कुछ सहयोग उपकार करते ही है। मगर ये दुर्लभ गुण किस लिए हुआ, तो यहां लोग दूसरों की उपकार करते हैं, दूसरों को सहयोग करते हैं, मगर निस्वार्थ भाव से नहीं करते। मतलब मैं किसी को सहयोग करूंगा, मैं किसी के उपकार करूंगा तो उससे मुझे इतना फायदा आना चाहिए, उससे मुझे इतना यश कीर्ति फैलना चाहिए, उससे मुझे इतना लाभ सत्कार मिलना चाहिए, उससे मेरा इतना प्रचार प्रसार होना चाहिए, इससे मेरा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखो, उपकार कर रहे, सहयोग कर रहे, मगर जाने अनजाने में ऐसे ढेर सारे लोभ लालच रख के सहयोग कर रहे, लोभ लालच रख के उपकार कर रहे, किसी गरीब को खाना भी खिला रहे तो उसमें भी अनेक स्वार्थ। मैं सहयोग कर रहा हूं तो लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मैं ऐसा सहयोग कर रहा हूं, या ये देख के लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दे, पैसा दे, या लोग मुझे समाज के सामने प्रशंसा करे, सम्मान करे, अनेक अनेक कर रहा है, वो अच्छी बात, पुण्य कर रहा है,
लोगों की मदद कर रहा है, उपकार कर रहा है, पर वो उपकार में भी, वो सहयोग में भी अनेक अनेक स्वार्थ छिपा रहता है, अनेक अनेक लोभ लालच छिपा रहता है, वो निस्वार्थ नहीं होता। तो कोई हमें आप जो ऐसे उपकार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हाँ वो तो निस्वार्थ नहीं है बोलेंगे तो बहुत गुस्सा आता है, स्वाभाविक है, आता भी है। मगर हमेशा दूसरे कहे ना कहे, दूसरे बोले ना बोले, दूसरे उंगली करे ना करे, पर हमेशा याद रखो आप उपकार कर रहे हैं ना, आप सहयोग कर रहे हैं ना, उस समय हमेशा याद रखना है, मैं ये जो उपकार कर रहा हूँ, मैं ये जो सहयोग करने की ये जो आदत बना रहा हूँ, क्या ये निस्वार्थ है? क्या कहीं मैं इसमें अपना स्वार्थ तो नहीं देख रहा हूँ, इसमें अपना मान सम्मान तो नहीं ढूंढ रहा हूँ, समाज के सामने मैं दे रहा हूँ करके अहंकार तो नहीं कर रहा हूँ? वो सारे चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। अभी अभी कोरोना होके गया, इतना लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय में इतना लोगों को मुश्किल हो गया। जिसके पास अच्छा खासा है वो लोग घर में बैठ के लॉकडाउन में भी आराम से जी रहे, मगर जो लोग आज कमा के आज ही खाने वाले, आज कमा के अपने परिवार को खिलाने वाले, उन लोगों की कितनी दुर्गति हो गया। और ऐसे समय में सहयोग करने वाले, मदद करने वाले भी बहुत सारे आ गए, बहुत सारे सामने आ गए, बहुत अच्छी बात है। पर वो मदद करते समय, वो सहयोग करते समय केवल सोशल मीडिया में दिखाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में वो सहयोग की चीजें देख के ऐसा किया, तो वो कहाँ सहयोग हो गया? मैंने इतने लोगों को सहयोग किया, इतने लोगों को उपकार किया, अभी लोग मुझे सम्मान करना चाहिए, लोग मुझे ऐसे ऐसे पदवी देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, ऐसे स्वार्थ रखेंगे तो कहाँ का वो उपकार हो गया? कोई तो थोड़ा थोड़ा उपकार, एकदम बिजनेस जैसा थोड़ा थोड़ा उपकार करके दिखाया, फोटो खींचा, वीडियो लिया, वो अपने मीडिया में दिखाया या अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया, और ढेर सारा डोनेशन लेना, ढेर सारा पैसा लेना, एक तरह से बिजनेस भी। अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरे कहे ना कहे खुद को रियलाइज होना चाहिए कि ये सही माने में उपकार नहीं है, इसमें निस्वार्थ भाव ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं निस्वार्थ भाव से आके सबकी सेवा करते हैं, जो भी बनता है वो करते हैं, कोई भी मुश्किल में देखा तो तुरंत तुरंत उसकी साथ देता है, सहयोग करता है, उपकार करता है। निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, एक हाथ से उपकार कर रहे तो दूसरों को भी दूसरे हाथ को पता ना चले, उस तरह से उपकार करना चाहिए, उसकी गिनती करके अहंकार नहीं बढ़ाना, वो गिनती करके लोगों के सामने अपना वर्चस्व नहीं दिखाना, हमेशा निस्वार्थ भाव से उपकार करना चाहिए। मगर जितना भी बोले, जितना भी सुने, ये करना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तथागत बुद्ध ने इसको दुर्लभ कहा है, दुर्लभ है ये गुण। फिर महाकाल ने तथागत बुद्ध कहते हैं, दूसरों ने किया हुआ उपकार को याद करके कृतज्ञ होना भी दुर्लभ है। अभी किसी ने उपकार किया, किसी ने सहयोग किया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ने में सहयोग दिया, मैं भूखा हूँ, खाने में सहयोग किया, मेरे पास कपड़े नहीं, कपड़े दिया, रहने के लिए घर दिया, तो कृतज्ञ तो होना चाहिए ना, उपकार किया करके थैंक्स तो बोलेंगे ही, पर वो अंदर से कृतज्ञ होना बहुत ही मुश्किल है। ये दुनिया का स्वभाव है, लोगों ने कितना भी उपकार किया हो, वो उपकार गया एक जगह, अगर थोड़ा भी उसने गलती किया, थोड़ा भी हमारे लिए हानि नुकसान किया हो, या बोला हो, या सोचा हो, बस वही एक बात पकड़ के इतना उपकार किया है, वो गया तेल देने, वो गया अलग, थोड़ा भी
गलती किया हो या गलती बोला हो या गलती सोचा हो उसी को पकड़ के इसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी, मेरा भी समय आएगा, मैं तब इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी वैसा करूंगा, इसको दिखाऊंगा करके अनेक अनेक बदला लेने की भावना, अनेक द्वेष चित्त, क्रोध चित्त, बेचैनी बस वही बना रहता है। कहां कृतज्ञता भाव? हाँ, लोग थोड़ा भी करे तो अरे इसने मुझे इतना उपकार किया, हाँ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कृतज्ञ होना चाहिए, दिल से मुदिता भाव, प्रसन्नता भाव से हाँ वो कृतज्ञता होना चाहिए। मगर वो कृतज्ञता बनना बहुत ही मुश्किल है, किसी ने कितना भी किया हो उसमें सिर्फ गलतियां ही ढूंढते हैं और वो गलतियां ढूंढ ढूंढ के उसके प्रति द्वेष भाव, क्रोध भाव रखते हैं। कृतज्ञता रखना आसान नहीं है, इसलिए लोगों ने किया हुआ उपकार को भी याद करके अंदर से दिल से कृतज्ञ बनना आसान नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये कृतज्ञ होने वाले गुण को भी दुर्लभ कहा है, दुर्लभ है ये, इसलिए हमें भी ये दुर्लभ गुण धर्म हमें बनाना है। तो हमें दूसरों को उपकार करते समय, सहयोग करते समय निस्वार्थ भाव से करना है। बदले में ये मिलेगा, वो मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगा या लाभ सत्कार मिलेगा, मैं एक बार नमस्कार करूंगा तो 10 बार वो वहां से नमस्कार आएगा, ऐसे ऐसे के लिए उपकार नहीं करना, निस्वार्थ भाव से उपकार करना है, हाँ ये दुर्लभ गुण। फिर किसी ने भी हमारे जीवन में थोड़ा भी उपकार किया तो हमेशा याद करके उसके प्रति कृतज्ञ होना है। गलती किया, अपराध किया, ये किया, वो किया, वो तो उसका दुष्कर्म हो गया, हाँ उसका कर्म उसी को देखेगा, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, मगर उसने हमारे जीवन में अगर कोई भी अच्छा किया हो तो उसे याद करके कृतज्ञ होना है कि उसने मुझे ऐसे उपकार किया, ऐसे सहयोग किया। एकदम दिल से साधुकार देके, दिल से धन्यवाद देके कृतज्ञ होना है। अगर इस तरह से कृतज्ञ बन पाए तो ये दुर्लभ गुण भी हम में हो गया। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है ना, कि उपकार करना ही है, कृतज्ञ होना ही है, मगर निस्वार्थ भाव से उपकार करना है और दिल से प्रसन्न होकर कृतज्ञ बनना है। तो ये दो गुण धर्म हम में होना चाहिए, और होने के लिए आसान नहीं है, देखा जाए तो आसान है मगर बहुत मुश्किल है, इसलिए तथागत बुद्ध ने इसको दुर्लभ धम्म कहा है। तो ये दो दुर्लभ धम्म, निस्वार्थ भाव से उपकार करना और उपकार किया हुआ बातें को दिल से याद करके कृतज्ञ बनना। तो हम भी ये दुर्लभ गुण धम्म हमारे जीवन में बना पाए, चरित्र में पालन कर पाए, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के व्यवहार में भी पालन करें। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना पाए, सार्थक बना पाए, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, जो दुख मुक्त निर्वाण है वो भी साक्षात्कार कर पाए, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सबेतियो विवाजन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव।
भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब भूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुयं किप्पमेव समेचतु सबे पुरेन्तु चेतसं कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पाति सग्ग सम्पातिमेव च अतो निब्बान सम्पाति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धाउस टीचिंग चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी धम्मदेशना सुन के आप लोगों को लगता है या धम्मदेशना में इस तरह से उस तरह से कुछ भी सलाह सुझाव मन में आते हैं तो ये वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई भी ये धर्म से संबंधित जो आप लोग धर्म देशना सुनते हैं उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न भी कमेंट में लिखिए, हम उस प्रश्न को उठा के उसका भी जवाब देते जाएंगे। और ये धर्म वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी देखिए और अपनों को भी शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाना है क्योंकि बुद्धाउस टीचिंग चैनल के परिवार को बढ़ाना है। ये बुद्धाउस टीचिंग चैनल है, हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुंचाए, घर घर पहुंचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।